परमात्मा के साथ जिसने भी ये प्रेम भरा दिल का रिश्ता जोड़ा है, परमात्मा कभी उसको, गुरुदेव कभी उसको इनकार थोड़ी करते हैं। तो प्यार का रिश्ता जो भी आपको लगे, जो भी तरीका आपको ठीक लगे, उस तरीके से परमात्मा से प्रेम का रिश्ता जोड़िए जो आपको उचित लगे, जो आपको उचित लगे उससे प्रेम प्यार का रिश्ता जोड़िए और उस रिश्ते को फिर निभाइए। ये मैंने अलग अलग आसक्तियां बताई ना, जिस रूप में आपको अच्छा लगे, जिस रूप में आपको परमात्मा से प्रेम हो सके वो निभाइए। मन में भाव पकड़ लीजिए कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, कभी कोई तो कभी कोई, कभी कोई तो कभी कोई, जैसा हो एक ना एक बहाना लगाए रखिए और प्यार का रिश्ता प्रभु चरणों में बनाए रखिए। एक बार एक बच्चे ने प्रभु के चरणों में प्रार्थना करी, कहते हैं कि प्रभु आप गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें कि आप सबको, सब जो भी यहाँ पे आपके चरणों में आते हैं सबको आप अपना प्यार भी देते हो, प्रसाद भी देते हो, आशीर्वाद भी देते हो, लंगर भी खिलाते हो, सब कुछ सेवा है, सब कुछ फ्री है, जाओ एक बार वहां तो सब कुछ अवेलेबल है, तो प्रसाद भी देते हो, प्यार भी देते हो, लंगर भी खिलाते हो, आशीर्वाद भी देते हो, बदले में आपको क्या मिलता है? अब पूछने वाले का भाव है, बदले में आपको क्या मिलता है? सतगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया कि ऐसे नहीं होता, कोई ये मत समझे कि ये बिना लेन देन के काम हो जाता है। भाई हर चीज का लेन देन होता है ना, लेते हैं तो देते भी हैं, देते हैं तो लेते भी हैं। तो फिर फरमाया जब हम प्यार देते हैं, जब हम लंगर खिलाते हैं, जब हम आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, तो बदले में अपने प्रेमियों का दिल ले लेते हैं। क्या करते हैं? बदले में अपने भक्तों का दिल ले लेते हैं। ये प्यार का रिश्ता तब गहरा होता है, उनका दिल हम अपने पास रख लेते हैं और उनके दिल में जाकर विराजमान हो जाते हैं। भगवान फरमा रहे कितना सुंदर है, आज तक ये बातें केवल किताबों में पढ़ी थी, आज तक ये बातें केवल पुस्तकों में देखी थी कि ऐसा होता है, ऐसे भाव होते हैं परमात्मा के प्रति, कभी वो भी हमें याद करता होगा, हम करते हैं समझ आता है, कभी वो भी याद करता होगा, कभी उसको भी लगता होगा कि जाएं भक्त से मिलाएं, कभी उसके दिल में भी आती होगी ये बात, आती है, वो सुनते हैं पुकारों को जो हृदय से निकलती हैं, उसे भी याद आती है, वो कहता है कि मुझे 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 याद आ रही है, वो कहता है, उसका भी दिल तड़पता है, उसे भी उदास बैठे हुए देखा है हमने, इंतजार करते हुए देखा है। एक बार विराजमान थे गुरुदेव बेंगलोर में एक स्थान पर, जैसे दर्शन दे रहे थे, विराजमान थे, दर्शन का टाइम खत्म हो गया है, जैसे एक टाइम होता रात के टाइम भाई, जैसे 8 से 10 दर्शन खुलते हैं तो 10 बज चुके हैं, प्रभु विराजमान है, भजन बोल चुका है आखिरी में, जब जो आखिरी फॉर्मेलिटीज होती हैं सब पूरी हो चुकी हैं, मजाल है उठ जाएं, नहीं उठ रहे, बाहर बार बार नजरें बाहर देखते, कभी इधर होते हैं, इधर होते हैं, बाहर की तरफ नजरें हैं, गेट की तरफ देख रहे हैं, बड़ा अजीब लग रहा है, सब देखते हैं अभी क्या होने जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहे हैं, तो बार बार गेट पर नजर डालते हैं, बार बार गेट की तरफ देखते हैं, सबके भाव पूरे करने के लिए बैठे हैं प्रभु, पता नहीं कोई कितनी तड़प लिए आ रहा है, कोई कितना प्यार ले आ रहा है, तो ये ना समझे कि भाई उसको नहीं पता चल रहा, वो ये ना समझे कि हमने दिल की तार जोड़ी है तो उसको पता ही नहीं है। देखो ये जो प्यार है ना, गुरु शिष्य का जो रिश्ता है, ये मछली और सागर जैसी प्रीत नहीं है, मछली तो दिल से तड़पती रहती है कि जाकर सागर से मिल जाऊं, कभी सागर तड़प रहा हो, उदास बैठा हो कि नहीं नहीं मछली से मिलता हूं, होता है कभी ऐसा? मछली सागर में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन भक्त और भगवान के रिश्ते में ऐसा होता है, हम उदास होते हैं तो वो भी उदास होता है। प्रभु बैठे हुए हैं आज, मन में कोई तड़प किसी की रही होगी तो उसके दिल की पुकार को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, मजा है, बार 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 सड़क पर ऐसे नजर डालते हैं, कौन आ रहा है किसी को समझ नहीं, महात्मा जी बैठे हुए थे पास में, प्रभु टाइम हो चुका है चले, नहीं रुको अभी, किसी को बाहर भेजा, जाओ देखो सड़क पे कोई आ रहा है, बड़ी मुश्किल से मतलब करीब 20-25 मिनट हो गए नॉर्मल टाइम से ज्यादा, 10 बजने के बाद जो नॉर्मल टाइम होता है दर्शन बंद होने का, उसके बाद प्रभु विराजमान, फिर कोई ऐसा आया जिसको देखते सुंदर निगाहें ऐसे खुल गई, देखे वो आ गया, ऐसे जल्दी से इशारा करें, जल्दी आ जल्दी,
इशारा कर करके वो भाग रहे हैं। दो एक हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, आ रहे हैं। इतना भाव, इतना प्यार दिल में कुछ रहा होगा, तड़प, उस तड़प को पूरा समय दे रहे हैं, उस तड़प को पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि तुम ही नहीं तड़प रहे, हम भी तड़प रहे हैं यहाँ पर। इतना प्यार से वो जो भाव है, वो जो प्यार है, वो जो रिश्ता है, धन्य है वो लोग जिन्होंने ये प्यार का रिश्ता प्रभु के साथ जोड़ा है। तो जो जिन्होंने ये प्यार का रिश्ता परमात्मा के साथ जोड़ा है, हम इसी प्यार के रिश्ते को निभाने की बात करते हैं कि हम परमात्मा के साथ अगर हमने ये रिश्ता जोड़ा है तो परमात्मा भी, प्रभु भी, सदगुरु भी उस रूप में उस रिश्ते को निभाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। जरूर करें, जरूर करें, आप हम भी निभाएं, प्यार का रिश्ता जोड़ें। फिर इतना प्यार बख्शा, वो जब आए ना वो लोग, इतना प्यार बख्शा, उनको देख के पूरे हाल चाल पूछते हैं, कहाँ से आए हो, कैसा लग रहा है, कितने टाइम कहीं तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में, क्या लेकर आए हो, बताओ हमारे लिए क्या लेकर आए। कुछ कारण नहीं है, लेना क्या है, देना सब कुछ देना देना है, लेकिन फिर भी उसके लिए, उसके भाव पूरे करने के लिए पता नहीं क्या क्या रूप बना लेते हैं, बड़े लाड करे, बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़े आशीर्वाद, इतनी प्रसन्नता। फिर किसी ने पूछा बाद में कि प्रभु इन्होंने ऐसा क्या किया था जो आप इस पर इतने प्रसन्न थे, तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ने फरमाया, ये घर से चली थी ना ये भक्तान, ये जो उन्होंने चले थे घर से, ये ऐसा संकल्प लेकर चले थे, कुछ मर्जी हो जाए अपने प्रभु के दीदार आज ही करने हैं, आज ही करने हैं, ये ऐसा संकल्प लेकर चले थे, आज ही करने हैं। तो अब ये पहुंचते पहुंचते इनको, मतलब जैसे भी टाइम रहा, कोई गड़बड़ होगी जो भी रही, तो ठीक, मतलब 10 बजे इनको 9:45 बजे पहुंच जाना था, इधर कुछ लेट हो गए, इधर दर्शन हो जाएंगे, लेकिन इनके इनकी तड़प के कारण हमें जो है इतनी देर बैठना पड़ गया, क्योंकि इनके संकल्प को पूरा करना था। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, तो इनकी बात को पूरा करने के लिए हमें बैठना पड़ा, और मन में इतना प्यार था, रो रो के याद करते थे हमें, हमें भी प्यार देना पड़ा वापसी। आत्मा के अपने तरीके हैं। तो किस तरीके से, ये ऐसा नहीं है कि एक तरफा प्यार है, ये दो तरफा प्यार है, वो भी तड़पता है। धन्य है वो लोग जिन्होंने इस प्रेम को परमात्मा के चरणों में ये प्यार किया है, जिनके दिल में वो तड़प है, जिनके दिल में प्यार है, रोते हैं वो परमात्मा को, प्रभु को पाने के लिए, एक झलक मिल जाए, एक झलक मिल जाए तो उसकी कल्पना में लगे रहते हैं। एक एक चीज की कीमत है, याद रखना, सबकी कदर पाता है वो। कोई ये मत समझे कि उसे नहीं पता कि किस चीज की कदर करनी है, वो परमात्मा है, उसको समझाना के लिए कोई साधन नहीं ढूंढने पड़ेंगे, उसे बहुत अच्छे से पता है, वो जानता है।